सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पे आने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और सबको नमस्कार करता हूँ। हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि कल माननीय अदालत श्री कुलदीप सिंह जी की कोर्ट से दो स्मगलरों को 15-15 साल की सज़ा और 1-1 लाख रुपये जुर्माना हुआ है, जो इस एवज में हुआ कि 21/5/2017 को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी हमारे टी अनिल कुमार इंटेलिजेंस ऑफिसर को कि दो आदमी, एक राम कुमार और एक कृष्ण मुरारी, ये कोटा से चले हुए हैं और ये जयपुर के रास्ते एलाहाबाद आएंगे किसी कमाल सिंह के पास और उसको अफीम देंगे। ये तो उस पर एक टीम गठित की गई। जब टीम यहाँ पे पहुँची तो सुबह ये दोनों जने एक बस से आए और कमाल सिंह वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, तो इन्होंने जैसे उसको बैग दिया, टीम ने इनको घेर उनको सराउंड कर लिया, उनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि इसमें अफीम है। उसको तोला गया तो वो 4.5 किलो थी। जब ये कार्रवाई चल रही थी तो कमाल सिंह ने ये बताया कि मैंने कुछ अफीम अपने घर पे भी रखी हुई है, तो वहाँ पे गए टीम लेकर के, तो घर पे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके ट्यूबवेल कोठा से 1.5 किलो अफीम और 2,56,000 रुपये नकद, एक रिवॉल्वर और कुछ सामान जैसे अफीम तोलने का पाउचेस वगैरह और वेइंग मशीन वगैरह मिली। तो इन पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये केस 2017 से चलता आ रहा है और कल इस माननीय अदालत ने इनको 15-15 साल सजा की है और ये मान के कि ये लोग, ये मतलब कि इनके कॉन्शियस पोजेशन से ये मिला है। तो मैं माननीय अदालत के जो फैसला है उसका स्वागत करता हूँ और माननीय अदालत को मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे आदमियों को इतनी कठोर सजा दे के एक मैसेज पब्लिक को गया है कि ये जो ऐसे लोग हैं जो ये कि देश के दुश्मन है या जो समाज के दुश्मन है, जनरेशन के दुश्मन है, हमारे यूथ हमारे बच्चों के उसकी लाइफ से खेल रहे हैं, उनको ये सजा एक आने वाले दूसरे लोगों को एक मैसेज है कि अगर आप ऐसा अपराध करोगे तो आपको इससे भी सख्त सज़ा मिल सकती है। और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो आगे भी मतलब कि जिस जो एनसीबी के केसेस हैं ऐसे इस तरह के जो स्मगलर हैं, जो ऐसे लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, उनको और कठिन से कठिन अच्छी से अच्छी सज़ा मिले ताकि कोई और इस तरह का काम करने की हिम्मत ना कर सके। तो सर कितना समय ये केस चला सर? ये 2017 से चल रहा है जी, 6 साल हो गए। इसमें एक आदमी कमाल सिंह था जो उसकी तो मृत्यु हो गई थी, वो बंदा पहले से सजा याफ्ता था NDPS एक्ट में और वो मर्डर केस में भी था। और ये दो जने जो लेकर आए थे दे आर दी स्मगलर्स, इंटरस्टेट स्मगलिंग है क्योंकि ये राजस्थान से लेकर आए थे और यहाँ अपने यहाँ पे मतलब कि दे गए। ये मतलब ये सोचो राजस्थान से चले यहाँ पे, हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ के यूथ हैं या जो लोग हैं, इनकी ज़िंदगी स्पॉइल करने ये चले थे सिर्फ एक अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए। तो किस ये कोटा के पास के हैं जी, ये एलाहाबाद के पास नॉर्थ बस अड्डा जी, एलाहाबाद जो ये नॉर्थ से बस आती है ना जी, तो वहाँ अड्डा है, बस स्टॉप है, नॉर्थ बस स्टॉप कहते हैं अल्लाह, वहाँ से पकड़े गए थे ये सुबह 5-1 बजे पकड़े गए थे। तो सर किस किस तरह के तर्क दिए गए 6 साल के पूरे इस केस को? ये तो इसमें तर्क क्या है, ये तो जैसे इनके इनसे मतलब 4.5 किलो फीम इनसे मिली थी, 1.5 किलो बाद में मिली, तो तर्क तो ये है मतलब कि हमारे जो गवाह हैं उन्होंने अपनी गवाही दी, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बचने की, वो तो चलो हर कोई करता है, पर माननीय अदालत ने मतलब कि उनकी तर्क को ना मानते हुए और उनको दोषी करार दिया और यह सजा दी है जी। सबसे बड़ी बात है आजकल नशा तस्करी में छोटे बच्चों का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, हालांकि पहले मामले इतने नहीं होते थे लेकिन आजकल बढ़ रहे हैं, क्या करना चाहेंगे आप लंबे? मैंने यही माननीय अदालत के सामने एक तर्क रखा था, मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि जनाब इनको सख्त से सख्त सजा इसलिए भी दी जाए क्योंकि दे आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन एज वेल एज ऑफ द यूथ, दे आर नॉट ओनली रूनिंग द लाइफ ऑफ द यूथ, दे आर रूनिंग द कंट्री ऑल्सो। तो ये जो अपराध है देश के खिलाफ है, देश के युवा के खिलाफ है, आम जनरल पब्लिक के खिलाफ है, तो नशे को ख़त्म करने के लिए तो एक अभियान चलाना चाहिए। मैं तो आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस आवाज़ को आगे से आगे बढ़ाएं ताकि हमारे लोगों में जागरूकता पैदा हो और ऐसे लोग जो ये तस्करी में शामिल हैं इनकी इन्फॉर्मेशन चाहे आए, चाहे पुलिस को मिले, चाहे NCB को मिले, इनको इनके असली घर जेल में पहुँचाया जाए। और जो अगर ये लोग जेल में होंगे, तस्करी ख़त्म होगी, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले युवा हैं, वो मतलब कि स्पॉइल होने से बचेंगे और देश प्रगति की ओर चलेगा। ये फैसला किसी की जीत या हार का नहीं है, मैं ना तो मेरी जीत के लिए बैठा हूँ ना मैं किसी की हार के लिए बैठा हूँ। ये फैसला जो है मैंने अपनी मेहनत की, जो दूसरे उनके एडवोकेट साथी थे उन्होंने अपनी मेहनत की, हमने अपने तर्क रखे, उन्होंने अपने तर्क रखे, ये तो फैसला जो माननीय अदालत ने दिया हम तो उसके स्वागत के लिए बैठे हैं कि उन्होंने इनको दोषी करार दे के एक पब्लिक में मैसेज दिया है माननीय अदालत ने भी, अगर आप इस तरह का काम करोगे तो अदालतें चुप नहीं बैठेंगी और ये लोग अंदर जाएंगे और इनको इसी तरह से कठिन से मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलेगी।